हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो एंड इन दिस इन दिस वीडियो बी कंटिन्यू अवर लेसन नंबर टेन हाउ एनिमल्स सर्वाइव सो लेसन स्टार्ट कर रहा था एंड इसके टू पार्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन एडेप्टन इन एरियल एनिमल्स एरियल एनिमल्स के एडेप्टन के बारे में पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स आर फ्लाइंग एनिमल्स दे हैव विंग्स टू फ्लाई लाइट होलोबोन्स एंड फेदर्स मेक बर्ड्स कंफर्टेबल टू फ्लाई इन एयर एरियल एनिमल वो होते हैं जो फ्लाई करते हैं इनके विंग्स होते हैं और इनकी जो बोन्स होती, होती. होती, होती है लाइट होलोबोन्स होती है फिल्ड होती है एंड इनके जो फेदर्स होते हैं मेक बर्ड्स कंफर्टेबल टू फ्लाई इन एयर ये बर्ड्स को काफी कंफर्टेबल करते हैं एयर में फ्लाई करने में मदद करते हैं दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी विच हेल्प टू कट द एयर करंट वाइल्ड फ्लाइंग इनकी बॉडी काफी स्ट्रीम लाइन होती है जो मदद करती है एयर करंट्स को कट करने में जब ये उड़ते हैं बैट ईगल एंड वर्चर आर द एरियल एनिमल्स बैट हो गया ईगल हो गए वल्चर हो गए ये सारे क्या है एरियल एनिमल्स है क्या है ये सब एरियल एनिमल्स नेक्स्ट इज एडेप्टन इन एम्फीबियंस एम्फीबियंस में क्या एडेप्टन है एनिमल्स and and जो लैंड पर भी रहते हैं और वॉटर के अंदर भी सो दीज एनिमल ब्रीथ थ्रू देअर लंग्स वेन ऑन लैंड एंड थ्रू देअर मॉइस्ट स्किन वेन इन वाटर जब ये लैंड पर होते हैं तो ये लंग्स से सांस लेते हैं एंड जब ये पानी में होते है वॉटर के अंदर तो ये मॉइस्ट स्किन के हाथ से ब्रीथ लेते हैं सांस लेते हैं सम फ्रॉग्स हैव वेब फीट टू स्विम इन वॉटर कुछ प्रॉक्सिकसी फीट होती है वेब डिफीट इस तरह की जिसकी हेल्प से वो वॉटर में स्विम कर पाते है. क्या कर पाते हैं स्विम नेक्स्ट टॉपिक इन इन आरबोरियल एनिमल्स आरबोरियल एनिमल्स के अंदर की क्या अडेप्टशन होती है आरबोरियल एनिमल्स हैिब्स एंड मॉस्कुलर टेल टू क्लाइंबप एंड डाउन द ट्रीज एंड ब्रांचेस आर्बोरियर एनिमल्स के स्ट्रांग लिम्स होते हैं मस्कुलर ट्रेल होती है जिसके कारण वो चढ़ पाते क्लाइम्ब कर सकते हैं उतरते चढ़ते रहते हैं ट्रीज पे एंड एनिमल है ब्रांचेस इनके जो क्लॉज होते काफी स्ट्रांग होते जिसकी हेल्प से ये ब्रांचेस को पकड़ पाते हैं। मंकीज यूज देअर टेल्स टू स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू another. अदर मंकीस अपने टेल का पूछका यूज करते है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेक्स्ट अडेप्टन फॉर फूड अब फूड के लिए क्या वी नो एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अब हमें ये तो पता है जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का फूड खाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट एनिमल आर क्लासिफाइड इंटू फाइव ग्रुप अब उनकी फूड हैबिट के अब पर हमने एनिमल्स को फाइव ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है फाइव ग्रुप्स में से जिसमें जिसका पहला पॉइंट है हॉबीवर्स हॉबीवर्स एनिमल्स कौन से होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और कॉल्ड हॉबीवर्स वो प्लांट एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हॉबीवर्स जैसे काउ गॉट डियर बफेलो शेप ये क्या है कुछ हॉबीवर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल है दे हैव द फॉलोइंग एडेप फीचर्स फॉर ऑपटेनिंग फूड इनके कुछ अडेप्टिव फीचर्स होते हैं जिससे वो फूड को ऑप्टेन करते हैं दे हैव शार्प कटिंग और बाइटिंग टीथ इन फ्रंट एंड स्ट्रोंग ग्रेंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर चुइंग दियर फूड इनके जो टीथ होते हैं काफी शार्प होते हैं कट शार्प कटिंग होते है बाइटिंग होते हैं फ्रंट वाले एंड स्ट्रोंग होते हैं ग्रेंडिंग टीथ बैक के जो फूड को चुव करने में मदद करते हैं दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रोंग लेग टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इज इन सर्च ऑफ फूड ये काफी लॉन्ग इनके लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं जो इन्हें ट्रैवल लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं फूड के सर्च में कि वो काफी लंबे तक दूर तक चल सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड दे हैव हार्ट हुट है प्रोटेक्शन फ्रॉम बींग हॉन्टेड की काफी इनके हार्ड मूव्स होते हैं जो उनको मदद करते हैं रनिंग में फूड की सर्चिंग में और अपने आप को बचाने में दूसरे एनिमल से कि जो उनको हंट कर सकते हैं जो भी जो उनके एनिमीज हैं उनसे बचने में नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स जो फूड ईटिंग है वो होते हैं कार्निवरस कार्निवरस कौन से एनिमल्स होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस वो एनिमल्स जो ऑनली नॉन वेज या मांस मीट वगैरह खाता हो जैसे लॉइन टाइगर वॉल्फ ये कुछ कॉनिवर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है ये ऑनली दूसरे का एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स इनके क्या अडेप्टिव फीचर्स है दे हैव शार्प टीथ इन फ्रंट विच हैज इन हंटिंग एंड टीयरिंग फ्लैश इनके जो आगे के टीथ होते, होते हैं काफी शार्प होते हैं जो जो इन्हें हंटिंग में और टियरिंग में मदद करते हैं फ्लैश को खाने में नेक्स्ट इज दे हैव स्ट्रोंग लेग्स एंड क्लॉज इनके काफी स्ट्रोंग लेग्स होते हैं एंड शार्प क्लॉज होते हैं जिसके हेल्प से वो अपने प्रे को अपने शिकार को पकड़ पाते हैं नेक्स्ट कॉर्निवर बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड काइट्स हैव शार्प बेग कॉर्निवर्स बर्ड्स जैसे है ईगल हो गई काइट्स हो गए इनके काफी शार्प होते हैं एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड टीयर इट्स फ्लैश जो क्लॉज जो होते हैं जो उन्हें मदद करते हैं प्रे को कैच करने में या फ्लैश को टीयर करने में देन और नेक्स्ट इज ऑमनेवरस ऑमनेवरस क्या होते हैं एनिमल्स दैट इट बॉथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवर्स वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते है उन्हें हम ऑमनिवरस कहते हैं इसके एग्जाम्पल है क्रो बियर स्क्वास आर ये सारे कुछ कानी ऑमनिवर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल है ह्यूमन बींगस आर ऑल्सो कंसिडर टू बी दिवर्स ह्यूमन बींग्स को भी ऑमनिवर कंसिडर किया जाता है क्योंकि कई ह्यूमन बींगस नॉनवेज भी खाते हैं

तो ये था आपका थर्ड पार्ट पार, जिसमें हमने अभी सिर्फ थ्री काइंड पढ़े हैं जिसमें फूड के भी आप पर डिवाइड किया गया है हॉबीवरस कानीवरस एंड ऑमनिवर्स आगे के जो दो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी आज के लिए इतना ही आई होप जितना हमने पढ़ा है जाना है उतना आपको समझ आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड इससे पहले आप क्या करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल